और दोस्तों कल शाम फिर मैं नहाने में रह गया था, तो बबलू भाई जो था ये मांझा मार के खेत में जो वो साइड में जगह पड़ी हुई थी खराब, उसमें कई साल से कुछ हो नहीं रहा था। तो जो रास्ते फाइनल होने थे वो हो गए, बाकी जो अलग थे वो अपना मिला देंगे उसमें। बाकी ये बबलू भाई ने जो हमारा हंस का ही मांझा है ये चलाया उसमें, जो आपने अंशी की वीडियो में और दादू की वीडियो में देखा होगा, पापा जी की वीडियो में। तो अब जो है जो छोटा मैसी हमने वहाँ बुग्गी पे लगा दिया था, जो वहाँ पे बुग्गी पे लगा दिया था, ये इसे जो है अब लेके चलते हैं। इसके लिए ये टोपलिंग आ गई है मैसी की, सादे मैसी की बबलू भाई ले आए हैं अमित चाचा की, और अब जो है उस पर टीलर जोड़ते हैं, टीलर भी लेके चलते हैं फटाफट। दोस्तों जैसे बहुत से भाई कहते भी हैं कि भाई तुम खरीद के ले आए तो फिर तुम इतना महंगा कैसे बेच रहे हो या इतने ज़्यादा पैसे कैसे मांग रहे हो, क्योंकि दोस्तों लगते ही तो ट्रैक्टरों की सर्विस करवानी पड़ती है, मोबिल ऑयल वगैरह, अंदर के जो खर्चे हैं वो कहीं दिखाई नहीं देते, क्योंकि बॉडी पर अगर हमने कुछ करवा दिया ऊपर, कोई नई चीज़ लगवा दी तो वो तो दिख रही है, लेकिन अंदर का मोबिल ऑयल जो बदला गया है और जो अंदर के स्टेयरिंग वगैरह कुछ भी चीज़ होती है वो जो है, यहाँ तक के जो हवा भी भरवाते हैं उसमें भी आपके 50-100 रुपये तो ऐसे ही लग जाते हैं, क्योंकि वाल बॉडी वगैरह पे कवर कैप चढ़वानी और बोल्ट बदलवाने हबके तो ये हैं। और बाकी अगर नई टोपलिंग लानी पड़ जाए, देखो ये पिन भी मैंने ला कर रख रखी हैं, ये 4 पिन लाया था मैं जो अलग अलग लग रही हैं। तो एक बार येल्लो लाया था, एक बार ग्रीन लाया था, जैसे ये येल्लो वाली यहाँ लग रही हैं, इसके साथ की एक दूसरे ट्रैक्टर पर लग के चली गई। तो दोस्तों ये इस तरह के छोटे मोटे खर्चे हैं जो बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब जैसे ट्रैक्टर में टचिंग है, मैसी में टचिंग करानी पड़ेगी, तो उसका एक अलग ही खर्चा बढ़ेगा, तो उसका पता चलेगा टचिंग करवाने के बाद में। क्योंकि दोस्तों ये ट्रैक्टर हमें रखना है सादा, क्योंकि हमें मैसी सादे मैसी को रखते 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 हम इस पैमाने पे पहुंच गए हैं कि अगर हमें अपने पास में एक फोर्ड और एक मैसी रखना है, क्योंकि दोस्तों नया तो किसी भी कंपनी का ले आओ, इतना ज़्यादा उनका जो है बहुत ज़्यादा मतलब एक शौक नहीं बन पाता उनका, फिर उसे नए को ला के मॉडिफाई कराओ, क्योंकि वो नया तो नया ही है, उसमें और आप कुछ नहीं करवा सकते, तो एक्स्ट्रा चीज़ें लगवानी पड़ती हैं, वजन बढ़ता है। तो दोस्तों पुराने ट्रैक्टर में ही वो खूबी होती है कि जो आप अपना शौक पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से इसे ले कर चलते हैं, मैसी पर जोड़ते हैं पीछे, उसे बुग्गी में छोड़ते हैं। और दोस्तों आज जो है अंधियाव चल रहे हैं पूरे, बहुत ही तेज़ हवा चल रही है, घर से ही कपड़े बदल के चलना पड़ेगा। दोस्तों ये बबलू भाई ने छोड़ दी है, और जो ये पिन लाया हूँ मैं ढूंढ के, ये पिन जो है लगाने की जो है कभी पहले से ही मैसी में है, जगह आती है, बहुत से ट्रैक्टरों में तो नहीं आती है, तो इन्हें साइडों में ही लगा देंगे। ये लग गया इस तरफ यहाँ, और उसे उस तरफ लगा देते हैं दूसरी तरफ। इसमें वो है तेल रख दे, एक साइड में को रख दे, कोई मुझे लगे छोटा सा हल्का सा वहां वो लगेगा पाइप के, जो नमदा सी आवे वो एक छोटी नमदा वो अंदर उसमें। और दोस्तों ये पीछे इसके टोपलिंग लगा ली है। दोस्तों ये हमने कल की शाम जोड़ दिया था, परसों जोड़ा दिखे था, परसों बबलू भाई ने पानी वानी सब भर लिया है इसमें। और दोस्तों ये पल ऊपर खींच लेते हैं एक बार चल के, पलियां खींच दिया है, हम नीचे को आराम से ट्रैक्टर निकल जाएगा, नीचे फोर्ड खड़ा है और रास्ते में से उनकी ताऊ जी की ट्रॉली आ रही है एस्कॉर्ट पर भर के। पेड़ी का गन्ना है, बड़ी अच्छी डोज लगाई हुई है, देखो गन्ना कितना बढ़िया है। और अब दोस्तों इनके जितने पहले बड़े हाड़े में गन्ने जाते थे उतने अब छोटे हाड़े में जाने लगे हैं, एस्कॉर्ट पे लगभग इनके 46-47 कुंटल गन्ने तुलते हैं, क्योंकि पहली जो पर्ची थी 15-45 की थी, अब 18-54 की हो गई है, तो छोटे हाड़े में बड़े हाड़े जैसा काम चल रहा है। मील का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जो है वो करा।
बहुत ही बढ़िया। और दोस्तों तूफान चल रहा है बहुत तेज हवा का, तो इसमें फिर ये यहाँ से पिल्लों की रोटी और चाय भी लिए चलते हैं। थोड़ी सी रोटी जो है बबलू भाई सुबह मोटरसाइकिल से डाले आए थे और मैं उस जिन्ने से उतरा था तो उसी से उतरूंगा आप दोबारा। दोस्तों चाय इस पे ले लेते हैं। बबलू भाई ने ट्रैक्टर जो है मेशी निकाल दिया है स्टार्ट करके। ताऊ जी राम राम। दोस्तों चल दिया है ट्रैक्टर, टीलर के ऊपर लगाएंगे इसे। लाओ भाई लाओ, खुर पे चमकाओ। और दोस्तों इसी के साथ में टीलर जुड़ गया है, इसके भी थोड़े से पत्थे चमका लेते हैं। वो रण सिंह आ गया दिखा, उसे कटवा दिए एक बार। रण सिंह आ गया दिखा है। आराम से चलो, आराम से, बड़े प्यार के साथ। कोई पुर्जा ना इकल जाए इसका। और इसी के साथ बबलू भाई हमारे से आगे भाग गई। दोस्तों बेशक ये ट्रैक्टर आने बंद हो गए, लेकिन इन्हीं के आगे फिर डीआई बनाए गए, इन्हीं से सबक लेकर आगे फिर मैसी वालों में अलग तरह के ट्रैक्टर बनाए। चल भैया लेके चल, मांदा मांदा लेके चल। और दोस्तों इसी के साथ पापा ने भी सीन ले लिए हैं, चलते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है मुझे फिर काम ज़्यादा करना पड़ता है। वैसे बुग्गी में भी गोबर काफ़ी हो गया है। और दोस्तों जैसा कि आपने देखा, बबलू भाई जो है मैसी को लेकर चले गए हैं, छोटे मैसी को। और मैं भी चलता हूँ, चाबी एक बार उतार लेता हूँ। ट्रैक्टर को लेकर चलता हूँ, इसे स्टार्ट कर लेते हैं। फिर आके ये पत्ती काटेंगे, थोड़ी सी और पत्ती लाऊंगे खेत में से। दोस्तों उनकी चाय भी रखी है, ध्यान नहीं करा पहले ही भिजवा देते। थोड़ा ये वैसे भी तेज गर्म है, डिब्बे में पन्नी में रखी है। एक बार थोड़े से गेट भी खोल लेते हैं, लेकिन पहले ट्रैक्टर स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे हमेशा ऊपर ही बैठ के जो है, कोई भी हो, कार हो या कुछ भी हो, ऊपर बैठ के स्टार्ट करना चाहिए। कई बार जो है हल्की मुल्की गियर लीवर अलझा रह जाता है, लेकिन हमारी आदत है हम हाई लो जरूर निकालते हैं, तो उससे बेनिफिट रहता है। तो गेट अटका दिया है, अब चलते हैं इसे लेकर। और दोस्तों इसी के साथ मैं खेत में मैं पहुंच लिया हूं, और मांजा जो है धीरे से खेत में घुस सकते हैं। ये जो था बबलू भाई ने हल्का हल्का मांजा खींच दिया है। अभी बिल्कुल बारिश आने का मौसम हो रहा है, परवा हवा बहुत तेज चल रही है, और यहाँ से जो है इसे थोड़ा थोड़ा बबलू भाई ने टीलर चला दिया है, शायद पापा जी ने उसके सीन लिए होंगे थोड़े बहुत। और ये जो है हमें शाम को ट्रॉली भी भरनी है। देखो कितना तगड़ा वाहन चलाया है खेत में। और इसे यहाँ बंद कर लेते हैं। महेंद्र चाय ले लो भाई।
सुमरू गांडा सुधा करिए, देखे कैसा गांडा निकल रहा है इसमें, फोगे छोड़ देते। मुझे लगा न्यार कम उतर रहा, गांडा ज्यादा है, हैं? गांडा ज्यादा है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा भूस खुआ, चलो रख लो रख लो, नीचे को रख लो। बढ़िया बढ़िया निकल रहा भाई, बढ़िया बहुत बढ़िया। दोस्तों संदीप भाई आए थे मिलने खेत में, चले गए हैं, और चाचा दीपक भी है, राम राम जी, राम राम जी। पापा जी भी वीडियो बना रहे हैं, और भाई अब जो है अपने काम से चले गए हैं टाटा नेक्सन लेके, और ये हम जो है यहाँ वीडियो में बैल देख रहे हैं, जो दीपक चाचा के जो मामा हैं धनोरा गांव में, उनके देखो पास में कितनी अच्छी जोट आ रही है, बहुत बेहतरीन बछड़े। चाचा क्या दांत है, क्या क्या दांत है? चार दांत बेटा। अच्छा जी दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन चल रहे हैं, जल्दी अगर मौका लगता है आपको दिखाते हैं चलते हुए। बबलू भाई यहाँ मंजा मार रहे हैं, पापा जी वीडियो बना रहे हैं, दोस्तों बहुत जल्दी ऐसा लग रहा है जब बारिश आ रही है, और चाचा वाले भी बछड़े आपको मैं जल्दी दिखाता हूँ, उनमें जो है एक बछड़ा सेल है, जल्दी से जल्दी आपको दिखाते हैं। ये यहाँ से मंजा मार के निफराम होकर चलते हैं। दोस्तों देखो कितनी शानदार देसी अबलग गोड़ी जा रही है, और ये भाई फल और सब्जी बेचते हैं, बहुत ही बेहतरीन। अगर आपको घोड़े का शौक करना है, तांगे में चलाना है, तो पहले देसी घोड़ा लें, जो अगर देसी सिंधी मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। और दोस्तों वहाँ के बाद अब छोटे मैसी के पास आ गए हैं, और इसने काफ़ी अच्छा टीलर चलाया है, टीलर के जो है पत्थे चमका दिए हैं, और बबलू भाई ने देखो पूरा लग्गू खिंचवाया है इस पर लो में करके, पता चल रहा है गुड्डियों पर पता चल रहा है कि पूरा तकड़ी खींच मारी है ट्रैक्टर ने, बहुत बढ़िया, और पूरे टीलर के पत्थे चमका दिए हैं। तो दोस्तों इसी तरह धीरे 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 काम कराते कराते ट्रैक्टर जो है अंदर का बहुत बढ़िया है, और टायर अभी चलेंगे इसके खूब बढ़िया, इसे धीरे धीरे बिल्कुल ओके कर लेंगे, तो जो हमारा शौक है सदे मैसी का वो ये ट्रैक्टर पूरा कर देगा। फोर्ड का शौक फोर्ड बानवे मॉडल पूरा कर देगा, बाकी जो ये पापा जी और अंशी का जो ट्रैक्टर है मैसी, जो कि घर का मेन ट्रैक्टर भी है, ये अपना चल ही रहा है 2015 मॉडल, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इसी तरह से अब जो है इस खेत को मोटा छोटा कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर जो है धीरे से अपना आगे कार्रवाई करेंगे। अब चलते हैं 12 पे, एक बार 12 बंद करके आते हैं, 12 चल रही है उधर, और दोस्तों ये 12 बंद कर देते हैं। देखो हल्का सा हाथ ही लूज हुआ, तो इस ऑपरेटर ने 3 बार झटका मार दिया, ये चीज़ गलत है, अगर एक बार बंद कर रहे हैं तो बंद ही करें उसे, तो उससे बंद कर दी है। अब जो है गेट लगाते हैं आराम से, बाहर का नज़ारा ठीक है, लेकिन दोस्तों पानी उधर जो चल गया है ज़्यादा, देखो यहाँ भी जैसे परसों पानी, परसों पल्ले दिन 12 बंद करने से पहले चला दिया था, तो ये मिड डे इधर उधर हो गए थे, क्योंकि अचानक मौसम का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, अचानक जो है मौसम बिगड़ रहा है फिर सुधर रहा है, बात समझ में आ नहीं रही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ट्यूबवेल बंद कर दी है, और दोस्तों इसके बाद में जो भी अपने यहाँ थोड़ा बहुत कचरा पड़ा है ट्यूबवेल के पास में, और जो अपने ठेकेदारों ने एक दो बार शराब पार्टी करी है, वो सामान जो है सब जला देते हैं, क्योंकि बारिश के बाद में फिर जल नहीं पाएगा वो कई दिनों तक। अब दोस्तों इसमें इतना अच्छा गन्ना निकल रहा है, इसमें मिट्टी नहीं चढ़ रही थी बिल्कुल भी, लेवल का खेत है, इसमें जो है वो स्कूटर से ही चलाया था, जो पावर वीडर चलाया था इसमें, और गन्ना देखो आप ट्रैक्टर से अंदाजा लगा सकते हो गन्ने की हाइट कितनी है, बराबर में पोगे छोड़ देते इस खेत में ट्रेंच वाले में, और बबलू भाई ने बहुत ही अच्छी तरह ये मांझा लगा दिया है, और जो हमारे चक्कों में सबसे ज़्यादा निगरानी रखते हैं आते जाते, वे उधर जो है चाचा राजपाल सिंह जा रहे हैं, पता नहीं इनके आ जाते रहा, आप रास्ते में वीडियो में देखते ही होंगे, पता नहीं दिन के 100 चक्कर हैं, 200 हैं, 500 चक्कर हैं। तो दोस्तों इसी तरह से फिर मैंने जो भी जितना भी अड़ावा कहीं था अब जो है बिल्कुल फाइनल कर दिया है, कहीं भी खेत के आसपास में कोई पन्नी या कोई कचरा दिखाई नहीं दे रहा है, दो दो तीन तीन बार इकट्ठा करके सब जो है ख़त्म कर दिया है। और बबलू भाई बड़े अच्छी तरह से मांझा लगा रहे हैं, और दोस्तों अब ये जो यहाँ डोल है बराबर में, ये मेरा बताना ध्यान नहीं रहा,
और इन्होंने जो था इस डोल के ऊपर ट्रैक्टर चला दिया। अब दोस्तों ट्रैक्टर चलाने से गड़बड़ क्या हुई कि जो डोल बहुत अच्छी बंधी हुई थी वो मांझा बड़े आराम से ऊपर से खड़ा मांझा करके इधर खींच लेता, तो इन्होंने डले फोड़ने के लिए इस पर दो बार ट्रैक्टर चलाना था खाली, तो ये डले फूट जाते, लेकिन इन्होंने जो था ये डोल इधर दबा दी है, खेत की तरफ गिरा दी है। तो दोस्तों अब ये मुझे सारी वहाँ से कई ट्रक मट्टी वहाँ से और वहाँ तक ये कई ट्रक मट्टी जो है मुझे खूड निखारना पड़ेगा, फावड़े से जो है पीछे फेंकनी पड़ेगी। तो दोस्तों नज़र बचते ही गड़बड़ हो जाती है। अगर मैं एक बार ये कह देता कि भाई डोल नहीं जोतनी है, डोल को हम जो है खाली ट्रैक्टर चला के इसके ऊपर का सर जो है पिलपिला कर लेंगे, डले फोड़ लेंगे और बड़े आराम से मांझा जो है इसे खींच लेगा। तो दोस्तों इन्होंने टीलर चला के काम बढ़ा दिया, अब ये जो है मुझे संवारनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ से वहाँ तक जो है करीब 3-4 ट्रोली मिट्टी बैठती है। आप मिट्टी खुद देख लो कितनी ज़्यादा मिट्टी है, ये देखो कितनी ज़्यादा मिट्टी है। तो दोस्तों ऐसे ही है, अब ये जो है खेत जो है आधा बीघा और बढ़ गया, जो ये वेस्टेज ही पड़ी थी कई साल से, इसमें कुछ हो भी नहीं पा रहा था, क्योंकि दोस्तों रास्ता वही फाइनल हुआ है, वो वाला मेन रास्ता और उधर का जो कूड़ी वाला जो रास्ता है, बाकी ये जो है ये नक्शे से आउट हो गए हैं। तो दोस्तों इसी तरह से अपना काम जो है समय पर करते रहे, बारिश आ नहीं रही है और अब बबलू भाई ने इसे फाइनल कर दिया है, और मैं जो है चाबी से फिर फावड़े निकाल के लाता हूँ और इसे करते हैं फटाफट।